लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक, हम सेक्युलरवादी नहीं है। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जनसमर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए। सबसे ज्यादा हमें जनसमर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय मरता मला ऐकू नहीं होते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम सदन में दो रह गए थे, पहली बार चुने गए तब चार थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आज इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं, लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए जेंडर इक्वेलिटी का मामला। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरे में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेजनली करप्ट। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है? हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए।